प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को सम्मान देने का काम, साथ मिलकर 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी की झोली में देंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल, जब का नुकसान सिर्फ और सिर्फ गठबंधन को होगा, मुझे लगता है सारी बातों को एक तरफ, मुझे लगता है जब एक बार नाम सामने आएंगे तो उसमें स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है और अब उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग रही है। आपने देखा है किस तरीके से आज जेडीयू ने अपने तमाम उम्मीदवारों का नाम जो है उसका ऐलान कर दिया है। और आपको बताते चले, वहीं दूसरी तरफ आज पटना पहुंचते ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने साफ तौर पर इशारा किया है कि आज से कल में उनकी पार्टी के भी जरिए से तमाम जो उनके उम्मीदवार हैं, यानी कि 5 जो लोकसभा सीटें चिराग पासवान को मिली हैं, उन तमाम सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें, चिराग पासवान ने तमाम के आलाकमान को धन्यवाद करते हुए कहा है कि हम लोग सब एकजुट हैं और एक साथ 400 पार के नारे को पूरा करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, आप पहले वो सुनिए। तमाम कार्यकर्ताओं के धैर्य की जीत नहीं बोलूंगा, ये अभी एक पड़ाव है, अभी तो रण पूरा भी हम लोग को जीतना है। बट हाँ, प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को सम्मान देने का काम किया, आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, हम सब साथ मिलकर 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी की झोली में देंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल, जब से आप एनडीए में शामिल हुए हैं अभी तक आप सीएम से मुलाकात आपकी नहीं हुई है, तो क्या अभी नाराजगी है या फिर सब ठीक है? देखिए, जैसा मैंने कहा, हम लोग बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं। 40 की 40 सीटें हम लोग को जीतकर, और एनडीए के पास ये बड़ा लक्ष्य है, 400 पार हम लोग को जाना है, जिसमें बिहार की 40 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में बड़े लक्ष्य की ओर जब आप अग्रसर होते हैं तो ये तमाम, अगर हम लोग आपस में ही उलझे रहेंगे तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ गठबंधन को होगा। मुझे लगता है सारी बातों को एक तरफ रखकर फिलहाल सिर्फ और सिर्फ गठबंधन कैसे 40 की 40 सीटें जीते, इस दिशा में हम लोग को कार्य करने की कोई मतभेद नहीं है। नहीं, देखिए, अब गठबंधन में है और जब इतना बड़ा लक्ष्य है हम लोग के पास, तो मतभेद गठबंधन को ही कमजोर करेंगे। ऐसे में एक मंच पर आकर सबको साथ बढ़कर आगे बढ़ना होगा। एक आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल, हमेशा आपकी पार्टी पे एक आरोप लगा है कि आपने पार्टी ने परिवार को आगे बढ़ाया, लेकिन चिराग पासवान का एक बयान था कि अपने कार्यकर्ताओं पर भी वो फोकस करेंगे। अभी हाजीपुर से आपकी बहनों का भी नाम आ रहा है और एक और सीट पर आपके परिवार की चर्चा हो रही है, तो 3 परिवार से होंगे कि कोई और भी होगा, पार्टी कार्यकर्ता को मौका मिलेगा? देखिए, इतनी जानकारी तो मेरी पार्टी के बारे में मुझे भी नहीं है। मैं आज देर रात, हम लोग की एक अहम बैठक है और उसमें मुझे जानकारी संसदीय बोर्ड के द्वारा अधिकृत तौर पर दी जाएगी कि किन किन प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है जब एक बार नाम सामने आएंगे तो उसमें स्थिति पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगी। होली के तुरंत बाद संभवतः हम लोग इसकी घोषणा करेंगे। थैंक यू। जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान ने तमाम एनडीए के साथियों को धन्यवाद दिया है, शुक्रगुजार हुए हैं, उनका शुक्रिया अदा किया है और साफ तौर पर कहा है कि हमें आपस में एक साथ रहना चाहिए, बयानबाजियों से बचना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद बड़ा है और जो दुश्मन है वो हर वक्त कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से एनडीए को तोड़े और जो 400 पार का इरादा है उसे पूरा ना होने दें। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने साफ तौर पर कहा है कि हमें आपस में बयानबाजियों से बचना है और एक साथ मिलजुल कर आगे जो 400 पार का नारा है उसे पूरा करना है और एक बार फिर से हिंदुस्तान में एनडीए की सरकार बनाना है। बहरहाल, ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।